दोस्तों, मैंने पवन सर की पहले भी एक वीडियो कवर किया था, लगभग दो वीडियो मैंने बनाई थी बायोफ्लो के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि बायोफ्लो पर जब भी कोई नई इन्वेंशन होता है, नई चीज़ बनती है, विंटर मैनेजमेंट या कुछ भी इस तरह का होता है, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ से अवगत करवाऊँ। तो पवन सर का जो विंटर का मैनेजमेंट है, कुछ फिश वगैरह इन्होंने डाली है, कौन सी फिश डाली है, कितना टेम्परेचर इस जो सेटअप के अंदर तैयार रहता है इस समय, और विंटर जो रात होती है उसके अंदर कितना टेम्परेचर रहता है, तो पूरी जानकारी सबसे लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पवन सर, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसानों को एक ऐसी जानकारी मिले जो उनको बाकी लोग ना दे पा रहे हों, या फिर उनके लिए कुछ नया हो। तो आपके सेटअप पे आने के बाद सर, मैं देख रहा हूँ कुछ नयापन है, अभी विंटर में आपने मैनेजमेंट किया है। मैं खुद आपसे जानना चाहूँगा, आपने इस अंतराल में क्या क्या नई तैयारियाँ या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है? सर, एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का भी चाहे फंगल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड है कोई भी, हम इस तरह की जड़ी बूटी कहिए या पौधे कहिए, वो खोज निकाले हैं कि गारंटी से घायल मछली का भी बहुत आराम से इलाज होता है, चाहे वो फंगल डिसऑर्डर है, वो दो दिन में ठीक होता है। यहाँ आते हैं हम, उनको बताते हैं बहुत आराम से। दूसरी बात, कॉस्ट के ऊपर आती है। नया जो आदमी है वो शुरू में ही इतना खर्चा कर लेता है कि बाद का जो बेनिफिट है वो वहीं पे कवर हो गया है। अब इसी शेड का ले लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ, बाहर का भी देखेंगे और यहाँ का भी देखेंगे। ये टैंक का जो टेम्परेचर है, आप दिखाई दे रहे 27.4 डिग्री सेल्सियस, और आपको भी थोड़ा सा, अब मैं जो है जो ये डाल रखा है इसकी वजह से मुझे यहाँ गर्मी सी फील हो रही है। हाँ जी। तो इसको हमने इस ढंग से थोड़े पैसे में और इतना अच्छे से लगाया है, आप चारों तरफ दिखा सकते हैं कि सर्दी हवा से बनती, हमने हवा को रोक दिया, इस वजह से इतना टेम्परेचर मेंटेन। बाहर यही टेम्परेचर जो है वो 10-12 डिग्री कम हो सकता है। अब शेड लगाएं, टीन का लगाएं, पत्थर वाली टीन का लगाएं, पत्थर वाली जो टीन है वो भी महंगा पड़ता है। अब ये एक शेड अगर आप देखें 100x32 का, 110x32 का, तो वो करीबन पड़ेगा आपको 1.5-2 लाख रुपये। हाँ जी, पाइप वगैरह मिला। अब ये सारा शेड, हमने तीन शेड लगा रखे हैं इस तरह के, 100x32 के, तो यूँ मानिए 100x100 का शेड हो गया है। तो ये सारा शेड 1.5-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है, कहाँ 6 लाख रुपए और कहाँ 1.5 लाख। हाँ जी, तो काफ़ी फ़र्क आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सोचने की होती कि आप इतना सारा पैसा एक साथ लगा दें, या फिर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मार्केट में घूम के इस तरह का मटेरियल देखें जो सस्ता भी है और आपके काम को कर रहा है। सर, विंटर में ऐसे कहते हैं जी, मछली पालना बायोफ्लोक में और वैसे पोंड में भी काफ़ी मुश्किल होता है, ग्रोथ वगैरह बिल्कुल रुक सी जाती है सर। तो ये जो मैनेजमेंट आपने किया है, ये मतलब कितना टेम्परेचर नाइट में और डे में कितना कंट्रोल? डे में हमने देख लिया 27.4 डिग्री सेल्सियस है, तो रात को कितना लगा? रात को अगर बाहर का सर 12-13 है, हाँ जी, तो इसके अंदर 23-24 इतना मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत फ़र्क हो गया। और 22-35 मछली को चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सकती है। हाँ जी, तो मैंने तो 22 से ऊपर रखा है सर, 23-24 रखा है, अब 27 है। हाँ जी, हाँ जी, तो बेस्ट टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए। आगे बेशक बाहर कितनी भी सर्दी पड़ती रहे, हमने टेम्परेचर देखना है पोंड का। हाँ, पोंड का आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल ठीक है। एक सर इसमें बात आती है कि आपने तीन इसमें पार्टीशन कर रखे हैं, तो ये पार्टीशन करने का क्या रीज़न है इसके पीछे? सर, जितना बड़ा पार्टीशन होगा तो कहीं ना कहीं से पॉसिबल है कि हवा की एंट्री हो। हाँ जी, अलग पार्टीशन है उसका टेम्परेचर अलग सेट हो गया, इधर है, इधर से कहीं से कोई चीज़ लूज आउट हो गई है, ढीली हो गई है, खुल गई, तो अगर ठंडी आती है तो सिर्फ इस एरिया में आएगी, साइड वालों में नहीं आएगी। हाँ जी, एक बड़ा शेड बनाने की बजाय आप छोटे छोटे तीन बना लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर भी लगेगा, केयर भी रहेगी और टेम्परेचर तो नेचुरल है, वो मेंटेन रहेगा। सर, इसके में टेम्परेचर मेंटेन के अलावा क्या मतलब कौन सी सीड आपने अपने तैयार की है गर्मियों के लिए, या फिर फिलहाल अपने पास कौन सी अपनी मछली तैयार टैंक में आप खड़े? सर, ये जो उछलती दिखाई दे रही है, ये वियतनामी कवई है सर। हाँ जी, ये 1 सितंबर को डाला था। हाँ जी, 16 लाइन का बच्चा था, अब जो है ये करीबन 15-20 ग्राम का है। हाँ जी, ठीक, एवरेज 25 ग्राम का भी हो सकता है, 5-7-10 ग्राम का भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो इतना ज़्यादा जो है वो अंतर है नहीं जितना और दूसरी ब्रीड में। हाँ, अब इसका अगर मैं दिखाऊं आपको, इसके अंदर पंगास मछली। हाँ जी, ये भी 1 सितंबर को ही डाला था। हाँ जी, और इसका जो साइज़ था वो था सर 1600 ग्राम का। अच्छा जी,
हमने इसके अंदर 1500 बच्चे डाल रखे। इसमें 60 ग्राम भी है, इसमें 70 ग्राम भी है, लेकिन एवरेज वेट जो है वो 35 ग्राम से ऊपर चल रहा है। 16 ग्राम में डाला था आपने? नहीं सर, 1600 लाइन का, यानी 1 ग्राम से कम का। 1600 लाइन का मतलब 1 किलो के अंदर 1600 बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। 1 किलो में 1600 हैं, तो यानी 1000 से ऊपर चला गया, तो 1 ग्राम से कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है सर। हाँ जी। और पंगास की तो हर जगह ग्रोथ। तालाबों में क्या होता है, इस दौरान किसान लोग जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें नवंबर के शुरू में ही उसको सेल आउट करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ वो दिक्कत ही नहीं, तो हम तो ग्रो करेंगे सर। एक सर, जैसे कि लोग ट्रेनिंग लेते हैं जानकारी के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोग फेलियर ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो क्या जानकारी का अभाव है या फिर वो उनका खुद का मन नहीं होता है, क्या रीज़न होता है, या फुल टाइम वो कर नहीं पाते उस काम को? सर, सबसे बड़ी बात होती है कि सब चाहते हैं मैं एक से एक्सपेरिमेंट करूं। हाँ जी। दो से एक्सपेरिमेंट करूं। हाँ जी। और एक्सपेरिमेंट जब बात आती है तो आदमी 100% अपना नहीं दे पाता। हाँ जी। आपको 2 टैंक पे भी उतना ही टाइम लगाना है और आपको 20 टैंक पे भी उतना ही टाइम लगाना है। हाँ जी। ठीक है, मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट है, ओके, बट आपको यू नीड टू स्पेंड द होल टाइम। ओके। आपको सारा टाइम लगाना पड़े। बिल्कुल। वो लगा लीजिए, एक में भी बचत है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, कोई घर वाले डिस्करेज कर देते, कोई सोशल मीडिया, जैसे आप वीडियो डालते हैं और बहुत सारे आदमी वीडियो डालते हैं, कई बार वहाँ से जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं कि हाँ उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। अब वो कारण क्या है वो मुझे नहीं पता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी को नुकसान दे। नुकसान की चीज़ नहीं है। बिल्कुल। बशर्ते आप अपने पैरामीटर्स को ठीक रखिए, अपना पूरा टाइम दीजिए। हाँ जी। समय समय पे अपने निरीक्षण करते रहिए, मतलब ही नहीं नुकसान हो। हाँ जी। सर, आपको भी काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें, कई महीने बीत चुके हैं, तो किसी भी सिस्टम में किसी तरह की कोई दिक्कतें आई हैं, तारपोलिन में, एरिएटर में, या जो अपने जो हैं बबल्स जो बनते हैं इसके स्टोन के अंदर, क्या किसी भी तरह की किसी सामान में कोई दिक्कतें आई हैं? सर, मुझे दिक्कतें नहीं आई हैं, मैं कैसे कहूँ। अच्छा जी। मुझे दिक्कतें नहीं आई। शुरू में ठीक है, नए थे तब दिक्कतें थी, नहीं पता था, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ों का पता है। बिल्कुल। और बहुत सारे आदमी आते हैं जो मदद मांगते हैं, उनकी मदद भी की जाती है। बिल्कुल। सर, एक ये होता है कि जैसे बंदा ट्रेनिंग लेता है, जानकारी लेता है, तो उस जानकारी में उसको क्या होता है कि सीड कहाँ से लें, फीड वगैरह के बारे में, सामान के बारे में थोड़ा सा एक मुश्किल आती है, कहीं ना कहीं मतलब मीडिएटर का रोल होता है इसके अंदर, तो वो कैसे आप लोग जानकारी कैसे देते हैं उसको, एक सही जानकारी। जैसे पिछली वीडियो मैंने कवर किया था कि आपने बताया था रेट्स वगैरह के बारे में बताया था, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे भी, कहाँ से कैसे अच्छा सामान, या किसके थ्रू, या फिर कैसे मतलब कम से कम कॉस्ट में कर सकते हैं? जो नया आदमी होता है ना, वो रिस्क से डरता है। हाँ जी। हम बेशक आपके पहले वीडियो में नंबर दिए थे। हाँ जी। लेकिन वो फिर भी वहाँ नंबर कॉन्टेक्ट कर लिया, इंक्वायरी कर ली, प्राइस लिस्ट ले ली, अकाउंट नंबर भी ले लिया, लेकिन उन पे पैसा डालने से डरते हैं। तो हमारे ऊपर, जैसे हम यहाँ लोकल एरिया में बैठे, वो थोड़ा फेथ रखते हैं कि ये ठीक है, यहाँ है, नज़दीक हैं, इनसे मंगवाया जाए, वो हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात। अच्छा। तो हम मंगवा भी देते, ऐसी बात नहीं, लेकिन सही चीज़ मंगवा के देते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई गलत चीज़ आ गई हो, किसी को नुकसान हो, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सर, जानकारियाँ कैसे कैसे देते हैं, क्योंकि एक सही जानकारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जानकारी। सर, देखिए, आपने उस दौरान भी यहाँ कवर अप किया था, आज चलिए हम अकेले हैं, यहाँ ट्रेनिंग वाले नहीं। बिल्कुल। महाराष्ट्र से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, असम से भी आते हैं, इतना ही तो वो चार्ज देते, फीस देते, और इतना ही आने जाने का, मतलब आने जाने का कई बार ज़्यादा भी हो जाता। बिल्कुल। तो हमने ये सिस्टम किया है कि अब जैसे महाराष्ट्र में जा रहा हूँ 17 तारीख को ट्रेनिंग। हाँ जी। ट्रेनिंग तो क्या है सर, वो सेटअप लगाया है, वो जानकारी चाहते हैं, मैं जानकारी जाके दे दूँगा। वो उनकी है, या 2-4 साधारण किसान और भी हों, किसी के मन में इच्छा हो, वो भी सीख लेंगे। हाँ जी। तो वो चीज़ें हैं। अब 17 तारीख को जा रहा हूँ, पहले भी 1-2 जगह गया हूँ। हाँ जी। जानकारियाँ दे के आया हूँ, तो वो दिक्कतें नहीं है। कम से कम 1 आदमी का खर्चा है और 20 का फायदा हो रहा है। हाँ जी। तो वो बेहतर है बजाय 20 आदमी खर्चा करके आए और 1 जगह आके फायदा लेके जाए। बिल्कुल। तो सर, सर्दियों में कौन सा सीड आपने स्टॉक किया है? सर, सिंगी है, कवई है और पंगास है। हाँ जी। ये 3 ब्रीड है। हाँ जी। जो हम ग्रो करेंगे, स्टॉक कर रखी हैं सर, होममेड प्रोबायोटिक बना रहे हैं खुद ही। हाँ, वो जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, हम आपके थ्रू जानकारी दे देंगे, या जो आदमी यहाँ जानकारी लेके आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जानकारी दे दी जाए। हाँ जी, हाँ जी। अब मार्केट से खरीदते हैं तो महंगा भी पड़ता है, कोई 1200 रुपये किलो, कोई 1600 रुपये किलो, कोई 2400 रुपये किलो, कोई
ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल। हाँ जी हाँ जी, तो वो कम से कम ये है कि 50-100 रुपये में अपना तैयार करना। बिल्कुल, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी आप कुछ नया इस तरह से इन्वेंशन करें जो आम फार्मर को जिससे फ़ायदा हो, तो मैं वीडियो में कवर करूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है सर सर्दी का, देखिए आप पूरा आप दिखा भी सकते हैं आखिर तक, तो कवर करके रखा है। पिछली बार हम उस शेड में खड़े थे तो आज ये टैंक भी नए हैं, कलर भी अलग है, वो वाइट और चॉकलेट था, ये रेडिश और जो है सिल्वर ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, थोड़ा चार्मिंग भी लगता है, सुंदर भी लगता है आने वालों को, देखने वालों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए।